आप देख रहे हैं रोशन सुबह न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट एहसानुल्लाह मीर। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी मशहूर मारूफ शख्सियत से जिसका काम है बिछड़े हुओं को मिलवाना। तहरीक आज़ादी के बाद वो लोग जो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, जो भारत में रह गए, तो उन फैमिलीज़ को इन साहिब ने मिलवाने का सिलसिला शुरू किया है। उनका नाम है नासर किसाना साहब, जो कि आजकल सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। आइए उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी नासिर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, तुसी सुनाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, जैसा कि ये अभी आपका ये टॉप ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप वायरल हो रहे हैं, दिन ब दिन आपकी स्टोरीज आ रही हैं, तो ये जो ये कंसेप्ट है मिलवाने का रिश्तेदारों को पाकिस्तान और इंडिया से, ये आपके माइंड में कैसे आया और ये आप कब से लेकर चल रहे हैं? सर मैं 2015 अपना चैनल बनाया से, जो पाकिस्तान यूट्यूब जी बैन सी। जी जी। अच्छा, उस जी बुनियादी वजह से चैनल तो मैंने किसी बंद ने बना के दिता से, मैं ये बारे मालूमत नहीं सी, लेकिन मैं जाहू के टाइम तो अपना जो साडे बजुर्गों तो गल्ला सुनते थे कि साडा देश इस तरह है, साडा देश इस तरह है, वो मैं अपना पिंड देखने की कोशिश कर रहा, बड़िया मैं राबते किए, बड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन किसी ने एक्सैप्ट नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के हालात इदा के सके, वो जी पाकिस्तान तो रिक्वेस्ट से उन्होंने एक्सैप्ट नहीं करते है। अच्छा, फिर फेसबुक का टाइम आया, उस तो बाद फिर मैं एक अपने पिंड के बजुर्ग की इंटरव्यू की 6 मिनट की, बाबा सुल्तान, वो जो मैं वीडियो पाई नवा शहर के उठ के आए थे, उतों एक बंदे आ रिटायर्ड एक्सीजन मोहिंदर से मोहिंदर भूमला साहब अंकल, वो जनाब है तो हिंदू गुजर है, लेकिन उन्होंने मैंने कहा कि जी अपना जिहड़ा जिहड़ा बाबे ने नाँ लिया ना, बिल्कुल एज इट इज़ है बंदे, शहरों के नाँ है बंदियों के व्यक्तियों के नाँ ले, भी मतलब उन्होंने गवाही दी इस चीज़ की। अच्छा, उस तो बाद फिर मैंने इंट्रस्ट पैदा हो गया कि यार सानू तो इंडिया में भी लोग देखते हैं। उस तो बाद फिर मैं एक काम जिस तरह बाबे मैंने मिलते थे, वो मैं बाबियां का इंटरव्यू करता सी, शुरू के बड़ी मुश्किल भी आई, लोग मजाक भी अड़ाते भी यार ये की कर रहे हैं, लेकिन वो फिर एक टाइम आया वो कहते वो बंदा कामयाब उदो हो ही नहीं सकता जिन्होंने पहले मजाक ना होए। हूँ तो नासिर भाई, पाकिस्तान और या भारत में आपकी फ़ैन फॉलोइंग कहाँ पे ज़्यादा देखी जा रही है, कौन जो लोग ज़्यादा आपको जो है अभी लाइक कर रहे हैं, आपकी जो आप उसको देखते हैं सोशल नेटवर्क पर? अगर गल की जाए फैन फॉलोइंग की, तो मेरा 20% जो पाकिस्तान लोग देते, पाकिस्तान चूंकि जो कोई ट्रेंड होर तरह का आया, इस तरह दीज़ों को घट देते, टिकटॉक से ज़्यादा ट्रैफिक आ जा, छोटिया वीडियो देखते हैं, या इन्हों को सोशल नैट हों बाकी नहीं हों, लेकिन इंडिया में नैट जो साढ़े फास्ट आ, वोदे ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग इंडिया में, उस अलावा जिते जिते पाक इंडिया तो बहर भी किसी मुल्क भी पंजाबी बैठे अमेरिका, कैनेडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, ये लोग सानू ज़्यादा देखते हैं। असल भाई, अभी तक आपने जितने भी रिश्तेदार मिलवाए हैं उनमें से कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है कि ये वाकई बड़ा संजीदा था, जिस पे आपको कुछ ऐसा फील हुआ, वो आपको बता सकते हैं कोई? सर असी वैसे तो बहुत सारे बंदे मिलाए जिन्होंने ज़्यादा मुलाकात टैलीफोन से वीडियो कॉल से, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया का जो वीज़ा प्रोसैस है ना थोड़ा जहा मुख्तलिफ जी, मुख्तलिफ तो नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत आ, तो असं तो चैनल के राही ये भी अपील करा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी है ना, यह थोड़ा जहा सौखा काम करे, इंडिया की गवर्नमेंट में भी चाहिए सौखा काम। असी एक करतारपुर फैमिली मिलाई थी जिद एक औरत जी इतने रह गई थी जटा की, बिरक बिरक जटा की, वो जो औरत इतने रह गई थी तो वह उस पिंड के जोड़े लोगों ने ना फिर उन्होंने रख लिया, अपनी धी बना ली सी, पाली धी पड़ा उन्होंने पाल के, उस तो बाद फिर वो शादी ही जटा में ही की, क्योंकि उन्होंने पता से भी जटा की कुड़ी है। जी जी। अच्छा, वो फिर बाद जाके किसी तरीके उन्होंने पता लगा कि साड़ी जी फूफी हले भी जिंदा है, वो मुंडे जोड़े वो मामे के जेडे मतलब वो भरा के मुंडे से। अच्छा, वो फिर इतने मिलन आए करतारपुर साहब। अच्छा, मिलन तो थोड़े दिन पहले वो फूफी की डैथ हो गई। जी जी। उस तो बाद फिर वो अपना बेटी आई, वो अपने मामे नू और अपने मामे के मुंडे नू और वो बहू नू अपनी मामी नू मिली, वो बड़ा एक इमोशनल साढ़े चैनल पर वीडियो मौजूद आ, वो बड़ा इमोशनल सीन जिन्हें सानू सारे उत्थे रवाता कि देखो 75 साल बाद अगर मिले भी तो मिलन तो कुछ दिन पहले, क्योंकि उन्होंने मामलात वीजे दे हुई पहले गल की सी कि मुख्तलिफ सी थोड़े जे मुश्किल आ जाते हैं, वो मुश्किल आने के नाल देर होने करोना आ गया, तो वह फिर जी ना वो मौत वाकया हो गई। जी ना, इंडिया में जो लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सर मैं ये पैगाम देना चाहवागा कि देखो 75 साल के आप फैसला नहीं कर सके,
ਸਾਡੇ ਬਾਘੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰੇਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਤ ਉੱਚੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਲੱਤ ਕਿਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਰਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਔਰ ਵਰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਥੇ ਜੋ ਕਿ ਅਭੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਿਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।